हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य चूर जी एंड यू आर वाचिंग एबीसी मोटो व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं, जैसे प्राइस बोला था आपको वो दिखाने के लिए। सो जाते हैं, अभी मैं जस्ट होटल में हूँ और निकल रहा हूँ मेरे रूम से। अपना होटल का पैसेज है बीच में का। ये हमने हेलमेट ले रखा है। सो यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं हम। यहाँ पे रिसेप्शन पे अभी हमें एक कैब बुक करनी पड़ेगी टू आर डेस्टिनेशन एंड टू आर सरप्राइज। तो दिस इज द रिसेप्शन, ये रिसेप्शन है। यहाँ पे सब बाइक्स लगी हुई है पार्किंग में। ओके गाइस, सो हम लोग आए हैं अनक्लच गोवा में। सो यू कैन सी BMW, डुकाटी, हार्ले एंड ट्रायम्प। सो दिस ब्रांड्स आर अवेलेबल। तो मैं जस्ट अभी अंदर जाता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी मुंबई से ही बुकिंग कर लिया था। सो वी हैव निंजा, मे बी दिस इज़ या 650 है। सो दिस इज़ ओल्ड स्कूल, मे बी दिस इज़ चेतक। BMW है 310 एंड ट्रायम्फ है, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर स्ट्रीट। तो मैंने स्क्रैम्बलर येलो वाली ली थी, मैं बुक की थी गाड़ी स्क्रैम्बलर डुकाटी येलो वाली। तो ये अनक्लच है अंदर से। एंड जो बाइक हमने बुक की थी, सो दिस वाज द स्क्रैम्बलर। ये शायद से आइकॉन है, स्क्रैम्बलर आइकॉन येलो वाली। थोड़े फोटोज अच्छे आते थे ये बाइक के, इसलिए हमने ये बुक की। बट कुछ बैटरी इश्यूज है इसलिए ये कैंसिल करके। सो हम लोग स्क्रैम्बलर, ये स्क्रैम्बलर कौन सी है, ये वाली। सो ये है स्ट्रीट, स्क्रैम्बलर स्ट्रीट। तो ये बाइक मिली है, एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर दिस ओनली। सो दिस कॉस्टेड अराउंड 6,600 एंड हमने जो ली थी वो 4,500 की थी। बट उन्होंने बोला कि बैटरी का कुछ इशू हुआ है, सो दैट्स वाई अभी रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग को ये बाइक दे रहे। तो राइट साइड का लीवर ये हुआ। तिकडे जाऊया ना, पॅलोलिमला जाऊया ना। ओहो, सो बहुत टाइम के बाद मैं स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ। तो मेरे पास मेरी खुद की है, बट दैट इज जस्ट 300 cc। सो ट्रैफिक में भी चलाने के लिए बहुत सही होगा ये गाड़ी। हम लोग जा रहे हैं पॅलोलिम बीच। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटा है। सो इट्स
12:30 नाउ, हम लोग वहाँ पे 2:30 तक पहुँचेंगे। सो दोस्तों ये सरप्राइज था, बताओ आपको कैसे लगा है सरप्राइज। सो ये सब वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ, आप भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। तो मैंने माइक और सब लगाया है, लेट्स सी अभी कैसी आवाज़ आती है बाइक के साथ। अगर किसी को जो हवा है उसकी आवाज़ आ रही है तो बता दो, वो भी क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। तो दिसंबर इज़ द पीक टाइम, बट रोड पे मुझे ऐसे मतलब ज़्यादा बाइक्स दिख नहीं रहे, शायद से ये लंबा रोड है। लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कलंगुट रह रहा हूँ तो कलंगुट में ही घूमेंगे फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस, ये लंबे ट्रिप्स नहीं करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। बिकॉज़ क्या है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मोटो ब्लॉगर हूँ, तो वीडियोज़ बनाना मेरा काम है। एंड बट ऑब्वियस छुट्टी है तो ये सब करना ही है, तो छुट्टी के टाइम एक्चुअली ये जो रोड है, ये जो लेन है वो टू व्हीलर्स के लिए बनाए हैं, बट फॉर द स्मॉल टू व्हीलर जैसे कि स्कूटी है उनके लिए ये स्मॉल लेन बनाई है, जहाँ पे कैसे अगर स्लो चलाना है तो स्लो चला सकते हैं रोड पे। एक्चुअली इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट ये मिरर में देखने के लिए पीछे से कौन आ रहा है। दिस आर जस्ट फॉर द स्टाइल, मतलब कुछ इतना यूज है नहीं, दिख रहा है बट इतना भी क्लियर नहीं है। ओहो ये क्या ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक ये रोड पे डाइवर्ट किया है। एक्चुअली कैमरा एंगल थोड़ा सा, बिकॉज मेरी बाइक ऑलमोस्ट 60% दिख रही है, रोड सिर्फ 40% दिख रहा है आपको, मुझे पूरा दिखाना है। बट क्या है कि ये जो स्ट्रैप मैंने लगाया है वो और कैमरा जो है वो थोड़ा एक दूसरे को नड़ रहा है। टर्निंग पे सिर्फ ये ट्रक डंपर वालों को संभालना पड़ता है, और हाफ एन आवर है पैरोलिम पहुंचने के लिए। दिस इज़ पैरेलिम, तो ये पैरेलिम बीच का मार्केट है। दिस इज पैलम बीच, तो हम लोग देखेंगे अभी पार्किंग कहाँ पे मिलती है। अच्छी पार्किंग मिलनी चाहिए यहाँ पे।
हमने अभी पैलम बीच आए हैं। बहुत ब्यूटीफुल बीच है ये। ये क्रैब कितने का है? 800। ओके, एक 800 का। ओके, तो ये कैसे करी वाला रहेगा कि कैसे? ड्राई होता है वैसे। ओके, जैसे मसाला फ्राई या बटर गार्लिक। हाँ हाँ हाँ, एक मसाला फ्राई बना के देता हूँ, इसका करी बना के देता हूँ। हाँ, एक का करी बनाओ, एक का मसाला करो। ओके फ्रेंड्स, तो ये कैफे सिल्वर स्टार है जहाँ पे हमने जस्ट अभी लंच किया और हमने क्रैब्स, लॉबस्टर्स और ये सब खाए हैं। चिकन कैफरल भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। और उसके सामने ये बीच है और हम लोग अभी यहाँ पे फ़ोटोशूट नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा काम है, ज़्यादा धूप नहीं है अभी। वैसे बजे है 4:30, सो हमें हमारे अभी मतलब कलंगुट जाने के लिए इट विल टेक 2 hours 15 minutes, सो हम तुरंत फ़ोटोशूट करके अभी निकल जाते हैं यहाँ से, नहीं तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। एंड जो हमने जो स्क्रैम्बलर ली है तो उसे भी कैसा है कि थोड़ा सेफ रखना है मुझे, इसलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। गोवा का सीलिंग के ऊपर रेड कलर भी हुआ है। कलर इज चेंजिंग, ये पिंक हो गया।